हे गाइस, आई एम सीमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का और बीबीक्यू, तवा बीबीक्यू, और ये तूर की दाल की फल्ली की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे करी। इसके लिए हमने दो पोटैटो को ऐसे बड़े बड़े चॉप कर लिए हैं। पानी में डालकर सॉल्ट डालकर रख देंगे ताकि ये काले ना पड़े। हम यहाँ पर एक प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे, एक टमाटर को बारीक चॉप कर लेंगे, और मेथी की भाजी ये भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अभी हम लेंगे कुकर में ऑयल, जब भी ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे लौंग और चकला दालचीनी का, 1 इंच दालचीनी और 3 लौंग। इसके बाद हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होती है हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। ये हम सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करना है, पीस लेंगे। 2 बड़े टमाटर, थोड़ी सी कोरिएंडर, थोड़ा सा कोकोनट या खोपरा, 2 ग्रीन चिल्लीज, 1 बड़ी प्याज में आधा प्याज ले लें या 1 छोटी प्याज ले लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 लौंग और थोड़ा सा सिनेमन या चकला, ये पीस कर हम रख लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ 1 बड़ा सा टमाटर। अगर छोटा है तो आप, छोटे हैं तो 2 डाल सकते हैं, बड़ा टमाटर है तो 1 बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक 2 मिनट पका लेंगे। अभी आप इसमें टेस्ट के हिसाब से चिल्ली पाउडर ऐड कर लें, धनिया पाउडर 1/2 स्पून और हल्दी 1/2 स्पून। अभी हमने जो इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड कर लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसमें, इसी जार में हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको ऐड कर लेंगे। अभी हम इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक, इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसको पका लेंगे। 5 मिनट पकने के बाद हम इसमें चॉप किए हुए आलू डाल देंगे। अभी यहाँ पर 250 ग्राम्स जितनी तूर की फल्ली, ये मैंने छील कर रख लिया था, ये हम डाल देंगे। और इसमें चॉप की हुई मेथी की भाजी डाल देंगे और इसको कुकर का लिड बंद कर, अगर पानी की ज़रूरत है तो आप जितनी करी की ज़रूरत है उतना पानी डालकर कुकर का लिड बंद कर 3 से 4 विजिल ले लेंगे। अभी इसमें प्रेशर जा चुका है, अभी हम कुकर का लिड खोलेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी है, और ये इस राइस के साथ और कबाब के साथ, चपाती के साथ हम अच्छे से लंच या डिनर में खा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा सॉफ्ट से पक चुका है। देखिए अच्छे से गल चुका है और हमारी तूर की फल्ली भी अच्छे से गल चुकी है। हमने इसको सर्व कर दिया है। चलिए हम चलते हैं, अभी कबाब बनाते हैं, चिकन टिक्का। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और इस सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। चिकन टिक्का बनाने के लिए हम यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लेंगे, इस तरीके से पीसेस इस साइज में हम चॉप कर लेंगे।
चिकन के पीसेस को, ये बोनलेस है। इसमें हम डालेंगे कर्ड। मैं आपको इसका सारे डिस्क्रिप्शन में, इसके इंग्रेडिएंट्स का सारा डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हम इसमें डालेंगे मेयोनीज, 2 स्पून जितना मेयोनीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुकिंग ऑयल 2 स्पून जितना कुकिंग ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट। आपके टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर या 1 स्पून चिली पाउडर। वन स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून सिनेमन पाउडर। सिनेमन को मैंने पीस कर रख लिया है, सिनेमन 1/2 स्पून, सिनेमन पाउडर, चाट मसाला, रेड फूड कलर 1/2 स्पून, वन लेमन जूस, अभी हम सबको अच्छे से मिक्स देंगे। ओवरनाइट इसको हम रख देंगे फ्रिज में, या इसको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। इसके बाद हम इस स्टिक्स को लेंगे और इसमें ये पियर्स कर देंगे, सारे अच्छे से नीट से इसको पियर्स कर देंगे और इसको फिर से 1/2 आवर के लिए छोड़ देंगे, या आप अगर 2 आवर्स मैरिनेट कर दिया है तो इमीडिएट से इसको तवे पर फ्राई कर सकते हैं, या अगर आपने 1.5 आवर के लिए मैरिनेट किया है तो एटलीस्ट इसको पियर्स करके एटलीस्ट फिर से 1 आवर या 1/2 आवर के लिए छोड़ दें और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से पियर्स कर हम रख लेंगे। अभी हम कढ़ाई या आप तवा भी ले सकते हैं, इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा बस 1 स्पून या 2 स्पून जितना, और इसमें हम स्कीवर्स को एक एक रखते जाएंगे, और ज़्यादा भी रखना नहीं है, जितना हो सके इसको पलटने भी आसानी होना चाहिए। इतने स्कीवर्स को हम रख कर इसको पलटते हुए एक धीरे धीरे से आगे पीछे करते हुए पलटते हुए हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। हम इसको मीडियम आंच पर पहले सेकेंगे थोड़ी देर, फिर इसको हाई फ्लेम पर भी इसको सेक लेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए। डीप फ्राई नहीं करना है, हम इसे डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरीके से ऑयल में सेक लेंगे अच्छे से, ऊपर नीचे आगे पीछे सब सेक लेना है। हम इसी तरीके से दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। हम इसकी सर्विंग करेंगे। हमने इसको सर्व कर दिया है। हम इस चिकन टिक्का, चावल, रोटी और इस करी के साथ लंच या डिनर, आज लंच में मैंने ये बनाया है। आप भी इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, ज़रूर ये बहुत टेस्टी बनता है करी और ये चिकन टिक्का। इसको मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे पका है। मैं आपको
आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत जूजी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप इसको फ्राई अच्छे से करना, डीप फ्राई नहीं करते हैं, हम सेकते हैं, इसलिए अलटते पलटते करते हुए इसको अंदर तक अच्छे से पकने दें। जल्दी से मत निकाल लें इसको, थोड़ी देर से मीडियम फ्लेम में पकाएं और हाई फ्लेम में थोड़ी देर पकाएं। ये बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।